हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग हेडिंग तो दिख ही रहा होगा, आइसोमेट्रिक का हम लोग क्या करते हैं, वन शॉट कर लेते हैं, है ना। एक ही बार में अभी आइसोमेट्रिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि जल्दी से इसको कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन? तो देखो, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पहले समझो, आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल। आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल। मेट्रिक का मतलब होता है मेजर, है ना। आइसो का मीनिंग क्या होता है, इक्वल, और मेट्रिक का मतलब क्या है, मेजर, ठीक है। तो जब इसका इक्वल मेजरमेंट होगा, देखो मैं रिलेट करता हूँ, कहने का मतलब क्या, इक्वल मेजरमेंट, है ना। अब देखो पहले ये बात, मेजरमेंट क्लियर। अब देखो ये आइसोमेट्रिक कहाँ से आया था, आपको पता है आइसोमेट्रिक किसका पार्ट था, एक्सोनोमेट्रिक का, है ना। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन याद आया होगा, सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, एक्सोनोमेट्रिक का पार्ट था। और एक्सोनोमेट्रिक का मतलब होता है वन व्यू प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे वन व्यू प्रोजेक्शन देखेंगे, है ना। वन व्यू प्रोजेक्शन यानी एक ही बार में तीनों फेस देखने वाले हैं, क्लियर। दूसरा चीज क्या, आइसोमेट्रिक मतलब कि जो आपका क्वेश्चन आएगा वो रहेगा 2D में, ठीक। आपको किस में कन्वर्ट करके लेके जाना है, 3D में, क्लियर। अब ध्यान रहे, इक्वल मेजर का एक और मतलब समझो। इक्वल मेजर कहने का मतलब कि जो आप स्केल बना रहे हो, ऐसे समझिए कि जब आप बॉडी को, कोई भी जो आपका 3D बॉडी था, जब उसको टिल्ट किए थे तो जो साइड क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ था। तो जितना भी साइड था उसका, एक्स वाई जेड जितना भी प्लेन था, इक्वल रिड्यूस हुआ था, क्योंकि जो अल्फा बीटा और गामा तीनों कितना एंगल बना रहे थे आपका, 180 डिग्री, है ना, 180 बोल रहा हूँ, 120 डिग्री। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 120 डिग्री, यही बन रहा था। इसको हम लोग बोल रहे थे क्या, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसको क्या बोल रहे थे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अगर ये दो बराबर रहता, अलग रहता, तो उसको बोलते डायमेट्रिक। अगर तीनों अलग अलग रहता तो क्या बोल रहे थे, ट्राइमेट्रिक, ठीक। तो ये अगर सब सेम है तो यहां हमको बनाना पड़ेगा एक सिंगल स्केल। क्या बनाना पड़ेगा, सिंगल स्केल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक ही स्केल में आप जितना भी फेस है वो सबको मेजर कर सकते हैं, क्लियर, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं। अब मान लो डायमेट्रिक करते तो दो स्केल बनाना पड़ता है, है ना। ट्राइमेट्रिक करते तो तीन स्केल, अलग अलग प्लेन के लिए अलग अलग स्केल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे लिए ये ईजी हो जाता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही स्केल बनाने की जरूरत पड़ता है, ठीक, समझ गए। आइसोमेट्रिक मतलब इक्वल मेजरमेंट, यानी जो भी साइड है सबका इक्वल मेजरमेंट करेंगे, क्लियर। उसके बाद ये कंडीशन आपको पता है किसका पार्ट है, ये एक्सोनोमेट्रिक का पार्ट है। एक्सोनोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, वन व्यू प्रोजेक्शन, एक ही बार में तीनों फेस देखने वाले हैं। इसका मतलब और समझिए कि आपका क्वेश्चन आएगा 2D में, हमें कन्वर्ट करके लेके जाना है 3D में, ठीक। आइसो का मतलब तीनों एंगल कितना फॉर्म करेगा, 120 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है ना, और इसको केवल एक ही स्केल बनाने की जरूरत है। यहाँ तक समझ गए, ठीक। अब देखो बात करते हैं इसके टर्मिनोलॉजी की, ठीक। अब इसका बात करें हम टर्मिनोलॉजी, क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होंगे। देखो टर्मिनोलॉजी अगर समझ गए, टर्मिनोलॉजी मतलब क्या, इसमें कितने कितने चीज हैं, है ना। देखो टर्मिनोलॉजी मतलब डेफिनेशन समझो। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी होता है इसका टर्मिनोलॉजी, पहला, अगर ये तीनों समझ गए तो मतलब समझो आधा काम हो गया। पहला चीज है आइसोमेट्रिक एक्सिस, फर्स्ट चीज समझना है हमको आइसोमेट्रिक एक्सिस। सेकेंड देखना है आइसोमेट्रिक लाइन, ठीक, और तीसरा चीज समझना है हमको आइसोमेट्रिक प्लेन। अगर ये तीन चीज समझ गए तो समझो आपका आइसोमेट्रिक का आधा काम हो गया, क्लियर। चलो आइसोमेट्रिक मतलब क्या, एक आपके पास कोई 3D बॉडी है, जब आप उसको टिल्ट कर रहे हैं तो तीनों आपस में कितना डिग्री बनाता है, 120, 120 और 120। तो चलो उसी को अभी बना के दिखाते हैं, ये कुछ इस तरीके का, ठीक है। Mm-hmm.
देखो ये हो गया, ये इसको मान लीजिए ओ ओरिजिन है, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, और यहाँ पे सब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा कितना है 120 डिग्री। इतना समझ गए, अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल कितना फॉर्म कर रहा है 120 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब समझिए कि अगर ये तीनों 120 120 और 120 है, ठीक है ना, 120 ये भी कितना है 120 है, तो ये एंगल देखो तो कितना होगा, ये एंगल कितना होगा देखिए तो आराम से। अगर मान लो सिंपल क्या कर दो, इसको इधर की ओर ऐसे प्रोजेक्ट कर दो, ऐसे इस तरीके से, ठीक। तो ये देखो ये एंगल कितना है 90 है, ठीक। तो ये एंगल कितना बचा टोटल, ये देखो ये कितना है 120, तो यहाँ से टोटल कितना है, ये भी 120 है, और इतना आपको पता है ये कितना है 90, तो ये बचेगा कितना 30, तो इधर भी सिमिलरली कितना बचा है 30। ये चीज़ समझ गए, तो बेस से एंगल कितना बनता है 30 डिग्री का, क्लियर। अब देखिए ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये एक्चुअल फिगर नहीं है, ये क्या एक्चुअल में तो सब के सब कितने पे थे, म्यूचुअल परपेंडिकुलर थे। अब म्यूचुअल परपेंडिकुलर यानी कि सब 90 डिग्री पे बन रहे थे, है ना, एक बॉक्स था, अगर आप सामने से देख रहे थे तो एक फेस दिख रहा था, जैसे आपने टिल्ट करा, टिल्ट करके जो प्रोजेक्शन लिए हो वो ये फिगर है, बात समझ में आना। यानी कि जो इस तरीके से कोई 3D बॉडी था, आपने उसको टिल्ट करा और टिल्ट करके जो लाइट उस पर पड़ा है उससे जो आपको इमेज मिला है वो है, ये है, है ना। इसको बोल सकते हुए क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, ये क्या है आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, क्लियर है ना, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। यानी कि ये सब के सब क्या है, रेड्यूस लेंथ है, ठीक है, कौन से हैं रेड्यूस, यानी कि जो इस तरीके से लाइट जैसे आप टिल्ट किए जो प्रोजेक्ट हुआ है, तो जैसे टिल्ट किए तो रिड्यूस हुआ है, तो वो वाला फिगर है ये, ठीक है। अब समझो ये चीज कि आइसोमेट्रिक एक्सिस किसको बोलेंगे, एकदम इजी है। देखो ये मान लो इसको एक्सटेंड करता हूं मैं ऐसे इस तरीके से, ठीक, इसको बोल दिए ए, इसको बोल दिए बी, और ये तीसरा एक्सिस बोल दिए सी, ठीक है। तो देखो आइसोमेट्रिक एक्सिस वो है जो आपस में, देखो लाइन, तीन लाइन दिखा, एक लाइन दिखा ओ ए ओ बी और ओ सी, ठीक। तो आइसोमेट्रिक एक्सिस क्या बोलेंगे, ओ ए ओ बी एंड ओ सी मीटिंग एट अ पॉइंट, मीटिंग एट अ पॉइंट, ठीक है ना। और तीनों लाइन देखो ओ ए ओ बी और ओ सी, तीन लाइन है, ठीक है ना, ओ बी लाइन यहाँ लिख दो, ओ बी ओ ए ओ बी ओ सी लाइन मीटिंग एट अ पॉइंट थिंग एंड मेकिंग एन एंगल एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ कितना 120 डिग्री विथ ईच अदर। बात को समझ में आया, क्या है कि तीन लाइन है जो कि आपस में एक सिंगल पॉइंट पे मिले, तीन लाइन कहाँ पे मिले, एक पॉइंट पे मिले, और तीनों आपस में कितना डिग्री एंगल बनाए 120 डिग्री का, उसी को बोलेंगे हम लोग आइसोमेट्रिक एक्सिस, क्लियर है ना। तीन एक्सिस देखो, एक दो तीन, तीनों कहाँ मिल रहा है ओ पॉइंट पे, और तीनों आपस में कितना डिग्री एंगल बना रहा है 120 डिग्री, क्लियर, इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोमेट्रिक लाइन की, ठीक है ना। तो देखो कोई भी लाइन अगर आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल हो जाए, कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे जो आइसोमेट्रिक एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, उस लाइन को बोलते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक लाइन, ठीक है ना। एनी लाइन यहाँ लिख देता हूँ, एनी लाइन पैरेलल टू, यहाँ से ऐसे है, पैरेलल टू, एनी लाइन पैरेलल टू आइसोमेट्रिक एक्सिस, ठीक है ना, कॉल्ड क्या बोल दोगे, आइसोमेट्रिक लाइन, ठीक है ना। कोई भी लाइन जो आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल होगा उसको बोल देंगे आइसोमेट्रिक लाइन। जैसे एग्जांपल में समझिए, मान लीजिए कि यहाँ मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक, यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका नाम रख दिया एम और एन, ठीक है। इस लाइन को देखो तो हमारे पास तीन एक्सिस है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। देखो तो एम एन लाइन तीनों में से किसी एक के पैरेलल है क्या, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है नहीं इसके पैरेलल है, नहीं इसके पैरेलल है, नहीं इसके पैरेलल है,
पैरेलल होता तो ऐसा होता, या फिर ऐसा होता, या फिर ऐसा होता, तो ये आइसोमेट्रिक लाइन नहीं है। क्लियर हो गया बात, ये आइसोमेट्रिक लाइन नहीं है। चलो एक और लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ऐसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक, इस तरीके से। अब इसको रख देते हैं P और Q। तो देखो तो पी क्यू लाइन को देखो तो अच्छे से ध्यान से देखिए, ये पी क्यू लाइन जो है वो OB के पैरेलल है, यानी कि आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल है, इसको बोलेंगे ये आइसोमेट्रिक लाइन है। क्लियर हो गया आइसोमेट्रिक लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल में लिख दो कि जो पी क्यू लाइन है वो आइसोमेट्रिक लाइन है। क्लियर, अब बात करते हैं आइसोमेट्रिक प्लेन की। ठीक, ऐसा प्लेन जो आइसोमेट्रिक लाइन से बना हो, ठीक है ना, एनी प्लेन, यहां लिख दो एनी प्लेन मेकिंग ऑफ, ठीक है ना, एनी प्लेन मेकिंग ऑफ किससे बन रहा है, आइसोमेट्रिक लाइन, ठीक है ना। कोई भी प्लेन जो आइसोमेट्रिक लाइन से बने उसको बोलेंगे हम लोग आइसोमेट्रिक प्लेन, ठीक है। चलो एग्जांपल में देख लो इसको, मान लीजिए एक प्लेन बनाते हैं कुछ ऐसा, यहाँ से इस तरीके से ऐसे, यानी कि चार लाइन यूज हुआ, ठीक है, जिसका नाम रख दो ए बी सी और डी। देखिए एक प्लेन बना है, क्या ये प्लेन आइसोमेट्रिक प्लेन है, ठीक है ना, आइसोमेट्रिक प्लेन है। तो देखो तो कि जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन है, ए बी लाइन को देखो ऐसा है सीधा ना, फिर इसके पैरेलल है नहीं, इसके पैरेलल है नहीं, इसके पैरेलल है, तो ए बी लाइन तो पैरेलल है नहीं, तो यह आइसोमेट्रिक लाइन हुआ नहीं। तो आइसोमेट्रिक लाइन नहीं हुआ तो ये पहले ही आइसोमेट्रिक प्लेन नहीं होगा, ठीक। हाँ, ए डी और बी सी, ए डी और बी सी देखो ये पैरेलल है, लेकिन ए बी और सी डी ये पैरेलल नहीं है, तो ये आइसोमेट्रिक प्लेन नहीं कहलाएगा, ठीक। तो आइसोमेट्रिक प्लेन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। देखिए अब इस प्लेन को देखो, इसको रख देते हैं एक्स वाई जेड और इसको दे देते हैं ओ, ठीक है। ये प्लेन देखिए जो एक्स वाई है वो तो इसके पैरेलल है, ओ बी, ओ बी के पैरेलल है, ये जो लाइन है वो ओ सी के पैरेलल है, ये भी ओ बी के पैरेलल है, ठीक, ये ओ सी के पैरेलल। तो ये जो आपका प्लेन दिख रहा है, ठीक है ना, ये आइसोमेट्रिक प्लेन है। क्लियर है ना, एनी प्लेन मेकिंग ऑफ आइसोमेट्रिक लाइन, कोई भी प्लेन जो आइसोमेट्रिक लाइन से बना हो उसको बोलेंगे आइसोमेट्रिक प्लेन, ठीक है। तीनों चीज पता चल गया एकदम अच्छे से कि आइसोमेट्रिक एक्सिस किसको बोलेंगे, कोई भी लाइन जो एक सिंगल पॉइंट पे बने मिले और आपस में कितना डिग्री एंगल बनाए, 120 डिग्री एंगल बनाए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक एक्सिस, ठीक है। और कोई भी उस एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो उसको बोल देंगे आइसोमेट्रिक लाइन, और उस लाइन से अगर कोई प्लेन बना है तो उसको बोल देंगे आइसोमेट्रिक प्लेन, ठीक है। इतना समझ गया, क्लियर। अब आगे आते हैं हम लोग स्केल के ऊपर, ठीक है। चलिए देखो, अगर समझते हुए पढ़ोगे तो बहुत आसान टॉपिक है ये, है ना, बहुत आसान है आइसोमेट्रिक एक्सिस, बहुत आसान है। बस जो प्रॉब्लम होता है वो थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ता है, बाकी तो इसका थ्योरी तो कुछ है ही नहीं। चलिए समझ गए सारा चीज। चलो देखो, अब बात करते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल बनाने की। क्या बात करें, आइसोमेट्रिक स्केल, एक देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है, ठीक। तो देखिए आपको पता चल गया कि जब आप ऑब्जेक्ट को टिल्ट करते हैं तो सारा जितना भी इसका प्लेन है सब इक्वली रेड्यूस होता है, इक्वली रेड्यूस होता है, तो हमें केवल एक ही स्केल बनाने की ज़रूरत पड़ता है। और आपको पता होगा यूनिट नंबर वन पढ़े थे, याद करो यूनिट नंबर वन पढ़े थे, तो वहाँ पर भी आपने स्केल बनाया था, स्केल दो टाइप का बनाया था वहाँ पर, एक प्लेन स्केल और दूसरा डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, दो स्केल बनाए थे। तो वहाँ पे आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी, क्या चीज़, आरएफ की, है ना, आरएफ क्या बोलता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ी थी। तो यहाँ पे भी हमको एक आरएफ की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, आरएफ की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो देखो ध्यान से इसको, हमने क्या करा कि ये जो लाइन दिख रहा है आपको ओ ए ओ बी ओ सी यहाँ पर मिल रहा है, ये डायग्राम बनाना है, ठीक। इस लाइन को मैं इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर की ओर ऐसे एक्सटेंड करता हूँ,
ठीक, इस लाइन को क्या कर दिए, इस तरीके से एक्सटेंड कर दिए। ठीक, तो ध्यान से देखो, तो यहां से जो एंगल बन रहा होगा ये कितना डिग्री होगा, 30 होगा। देखो तो ये 30 है, तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। और मैं यहां से कुछ इस तरीके से ये लाइन को मिलाता हूं, ठीक है। तो देखो तो ये 30 हुआ, ये 30 है, तो ये भी 30, और ये भी कितना होगा फिर, ये एंगल, ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। देखो तो, है ना, 30 डिग्री, क्योंकि सब इक्वली ऐसे रेडियस हुआ है, तो ये भी 30, ये भी 30, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना है आपका, 30 डिग्री। अगर टोटल देखोगे तो कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 30 डिग्री बना है, क्लियर। अब नाम दो, मान लो अभी देखो ये कौन सा लेंथ है, ये लेंथ आपको मैंने बताया था कि ये लेंथ कौन है, जब ऑब्जेक्ट रेड्यूस हो चुका है तब का है। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये जो लाइन है आपका, ये आइसोमेट्रिक लाइन है। ये कौन सा लाइन है, आइसोमेट्रिक लाइन है, जो कि रेड्यूस हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए कि जो एक्चुअल साइज होगा इस ऑब्जेक्ट का, एक्चुअल में जो साइज रहा होगा वो सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहने का मतलब सब के सब 90 डिग्री पे होंगे, कुछ ऐसा। इसका अगर ऊपर वाला फेस दिखाऊं तो एक्चुअल में ऐसा रहा होगा, ठीक है ना। और जब रेड्यूस हो, और एक्चुअल में कितना रहा होगा ऐसा, तो ये एंगल कितना बन रहा होगा ट्रू में, 45 डिग्री, है ना। जब ये रेड्यूस हो चुका है तो कितना एंगल बन गया, 30 डिग्री, है ना। लेकिन एक्चुअल में था कितना ये एंगल, 45 डिग्री। यही वाला दिखा रहा हूं ना मैं, देखिए यही वाला एंगल दिखा रहा हूं, कितना, देखो ऐसे समझ में आएगा। मान लीजिए ये ऐसे, सब ऐसे रहता, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो ये एक्चुअल में जो देखा जाए तो 90 डिग्री है ना, एक्चुअल में है कितना, 90 डिग्री। लेकिन ये रिड्यूस हो चुका है, तो रिड्यूस होने के बाद कितना हो गया है, 30। अगर एक्चुअल में ये देखो एंगल तो है कितना, 45। एक्चुअल में है कितना, ये 45। तो ये तो हुआ आइसोमेट्रिक लाइन। अगर मैं यहाँ पे ट्रू लाइन दिखाऊं, ट्रू लाइन, ठीक है ना, जो एक्चुअल में था, तो एक्चुअल में था कितना, ये यहाँ से 45 डिग्री पे था, है ना। एक्चुअल में ये लाइन कितना था, ये लाइन कितना था, 45 डिग्री पे इससे था, लेकिन ये रिड्यूस होने के बाद 30 हो गया है। ठीक, नाम दे दो इस सब का, इसको बोलो ओ एम एन, एम एन ओ, इसको बोल दो पी, ठीक है ना, एम एन ओ पी, सबको नाम दे दिए। और ये जो एम एन लाइन है इसको बोल दो क्या है, ये ट्रू लाइन, है ना, या फिर क्यों बोल दो ट्रू लेंथ, है ना, ट्रू लेंथ है ये, ठीक, ये आइसोमेट्रिक लेंथ बोल दो इसको, ठीक। ये क्या है आपका, आइसोमेट्रिक लेंथ, और ये क्या है, ट्रू लेंथ। क्लियर हुआ, आइसोमेट्रिक लेंथ और ट्रू लेंथ, एकदम अच्छे से। चलो अब देखो, जब आप स्केल बना रहे थे तो आपको आरएफ की वैल्यू जरूरत पड़ी थी, तो यहाँ पे भी आपको आरएफ की जरूरत पड़ेगा। ठीक, आरएफ क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्रॉइंग शीट, है ना, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ ड्रॉइंग शीट अपॉन एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है आपका आरएफ, है ना। तो देखो तो सिमिलरली इसके लिए अगर मैं आरएफ लिखूं, तो इसके लिए आरएफ लिखूंगा तो देखो तो कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ ड्रॉइंग शीट। तो जब ऑब्जेक्ट को आपने टिल्ट करा और उसको प्रोजेक्ट किया, तो जो मिला है लेंथ वही ड्रॉइंग शीट पे दिख रहा था, और एक्चुअल में साइज इसका 45 वाला था, ठीक है ना। तो एक्चुअल लेंथ है कौन, यहां से यहां तक, यानी कि इसके लिए अगर बोला जाए तो क्या बोल दोगे, आइसोमेट्रिक लेंथ, है ना, एक्चुअल में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ ड्रॉइंग शीट कौन सा है, आइसोमेट्रिक लेंथ, जो प्रोजेक्ट होके बना था वो वाला लेंथ को आइसोमेट्रिक, यानी कि यही आपका ड्रॉइंग शीट पे बना था, ठीक। और एक्चुअल लेंथ यानी कि ट्रू लेंथ, है ना, जो पहले था, ठीक। तो ये हो गया आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ, क्लियर, आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ। और यहां से अगर देखो तो कितना आ जाएगा, आइसोमेट्रिक लेंथ कौन सा है, एम पी है, यहां पे लिख दो एम पी है, आइसोमेट्रिक लेंथ कौन है, एम से लेकर पी तक, और ट्रू लेंथ कौन है, एम एन है, एम एन है, यानी कि यही आपका आरएफ है, यही आपका आरएफ है, है ना। अब पहले तो हमें आरएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, एम पी अपॉन एन एम एन फाइंड आउट करना है,
ठीक। चलिए तो देखो कैसे फाइंड होगा, इतना समझ गए, एम पी अपॉन एम एन फाइंड आउट करना है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल बना हुआ है, एक बना है एम पी एम ओ और दूसरा बना है एन एम ओ, ठीक है। तो पहले वाले ट्राइंगल की बात करें, छोटा वाला जो है, क्या है, ट्राइंगल पी एम ओ से बात करते हैं। ट्राइंगल पी एम ओ कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, ठीक। अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा लिखूँ, कॉस थीटा, थीटा कहने का मतलब कितना, 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री अगर लिखोगे तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ओ एम अपॉन एम पी, कितना हो जाएगा, ओ एम अपॉन एम पी, देखो तो ओ एम अपॉन एम पी, ठीक। तो ये हो गया कॉस 30। अगर यहाँ से आप ओ एम फाइंड आउट करो तो कितना हो जाएगा, एम पी कॉस 30 डिग्री, ठीक है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो एम पी कॉस 30 डिग्री, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब बात करते हैं दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल बड़ा वाला कितना है, एन एम ओ, एन एम ओ से बात करें तो यहाँ से अगर कॉस 45 डिग्री लिखें तो कितना हो जाएगा, देखिए तो कॉस 45 बेस ओ एम अपॉन एम एन, यानी कि ओ एम अपॉन एम एन, ठीक है, ये देखो ओ एम अपॉन एम एन, ठीक। तो यहाँ से लिखे हम ओ एम इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, एम एन कॉस 45 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। देखो दोनों क्या है, ओ एम ओ एम, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, तो यहाँ लिखो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक। तो जब इक्वेट किए दोनों इक्वेशन को तो क्या मिला, देखो तो एम पी कॉस 30 डिग्री इक्वल टू एम एन कॉस 45 डिग्री, हमें क्या चाहिए, एम पी अपॉन एम एन, ठीक। तो ये इसको नीचे ले आओ, ठीक है, तो जब नीचे ले आओगे तो एम पी अपॉन एम एन हो जाएगा क्या, ऊपर में रह गया कॉस 45, नीचे आ जाएगा कॉस 30 डिग्री, वैल्यू पुट कर दो, कॉस 45 क्या होता है, 1/√2, कॉस 30 √3/2, तो पहला अगर सेम रखो और इसको उलट दो तो √3/2/√3, इसको काटो तो यहाँ बच गया √2, अरे 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, ठीक है ना, तो एक √2 कट गया, बचा क्या, √2, तो ठीक है, तो इसको जब देखें तो कितना आया, √2/√3, ठीक है ना, यही होता है आइसोमेट्रिक में। अब यही चाहिए था, यही किसका वैल्यू है, आरएफ की वैल्यू है, देखिए तो यही है आइसोमेट्रिक लेंथ में आरएफ की वैल्यू, ठीक है ना, कितना, √2/√3, क्लियर। अब देखो इसको आगे थोड़ा सा, कि अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो आरएफ इक्वल टू आ जाएगा 0.815, इसको इक्विवेलेंट लिख सकते हो 0.82 के, अगर परसेंटेज में लिखोगे तो 82%, कितना, 82%। तो इससे आपको क्या समझ में आया, देखिए तो कि एक्चुअल में था 100%, एक्चुअल में था वो ऑब्जेक्ट 100%, जैसे ही आप उसको टिल्ट किए तो बचा कितना, 82%, आरएफ तो यही बताता है ना, बचा कितना, 82% बचा, यानी कितना परसेंट रिड्यूस हुआ, 18% रिड्यूस हुआ है, क्लियर है ना, कितना परसेंट रिड्यूस हुआ, 18% रिड्यूस हुआ है, क्लियर। अब आगे अगर इसके कंपैरिजन में देखोगे कि ये कितना बड़ा है, अगर रिड्यूस लेंथ के कंपैरिजन में देखोगे कि मेरा ये बड़ा वाला कितना है, मतलब कि एक्चुअल ट्रू साइज कितना है, तो वो आपको दिखेगा 22% ज़्यादा दिखेगा, है ना, कितना परसेंट, 22% ज़्यादा दिखेगा। अगर इसके कंपैरिजन आप देखोगे छोटा कितना है, तो 18% छोटा है, अगर इसके कंपैरिजन में वो देखोगे बड़ा एक्चुअल वाला, तो आपको दिखेगा 22% ज़्यादा है, ठीक है ना, वो कैसे आया आपको बता दूंगा, ठीक है, अभी आगे। तो इतना समझ में आ गया, अब देखो बात करते हैं कैसे स्केल बनाते हैं हम लोग। आरएफ की वैल्यू मिल गया आपको, ठीक, आरएफ की वैल्यू मिल गया, ठीक। तो अब दिखाते हैं आपको, हो गया, मिटा दें, कितना समय हो गया, 24 मिनट, ठीक, चलो हो गया, मिटा दें, हो गया, समझ में आ गया आपका। तो अब देखो हम स्केल बनाना सीखते हैं कैसे। आरएफ की वैल्यू हमें मिल गई, आरएफ कितना आया है, √2/√3। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखना, कि अगर आपको कहीं पे
बोले कि आइसोमेट्रिक स्केल में आरएफ की वैल्यू कितनी होती है, तो अगर तीन ऑप्शन दे दे, मान लो तीन ऑप्शन दे दे 0.82 बोल दे, या फिर बोल दे 0.815 बोल दे, या फिर बोल दे √2/√3 बोल दे, या फिर और कुछ बोलता है, ठीक है ना। तो आपको एक्चुअल में अगर ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है तो आप इसी पे टिक करोगे। ध्यान में समझ में आया कि आरएफ की वैल्यू जो एक्चुअल में होती है वो कितनी होती है, √2/√3, ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन में है तो इन दोनों, ये तो अप्रोक्सीमेट है, इसके आगे और बढ़ते जाता है, तब हमने 82 लिखा था। अगर ये ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो आप इसी पे टिक करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक। चलिए अब स्केल बनाना सिखाते हैं कि कैसे बनाएं। चलिए आरएफ की वैल्यू हमें पता है √2/√3। तो देखो स्केल कितने टाइप से बनता है, स्केल है ना। स्केल किस लिए बनाना है पता है कि जो रिड्यूस लेंथ है उसी को फाइंड आउट करने के लिए स्केल बनाना है, ठीक। तो देखिए यहाँ से दो टाइप से स्केल बनता है, एक बनेगा एनालिटिकल मेथड से, दूसरा बनेगा ग्राफिकल मेथड से, ठीक। अब ग्राफिकल मेथड भी दो टाइप का मेथड, मेथड 1 एंड मेथड 2, ठीक है, दो टाइप से, ठीक है। तो पहले समझते हैं एनालिटिकल का मतलब होता है कैलकुलेशन करके आप लेंथ निकालो। तो देखो आपको क्या निकालना है, आइसोमेट्रिक लेंथ आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये कितना रिड्यूस हुआ है, वही फाइंड आउट करना है। तो आइसोमेट्रिक लेंथ निकालेंगे तो यहाँ से आपको क्या निकालना होगा, आइसोमेट्रिक लेंथ। तो देखो तो आइसोमेट्रिक लेंथ क्या होगा, आपको पता है जब आप स्केल पढ़ रहे थे तो आपको लेंथ ऑफ स्केल निकालना था, तो अब क्या करते थे, आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर। तो सिमिलरली आइसोमेट्रिक लेंथ निकालना है तो आरएफ इंटू में जो एक्चुअल साइज था इसका, ठीक है ना, तो आरएफ इंटू ट्रू लेंथ। क्लियर, आरएफ इंटू ट्रू लेंथ, यही हो गया आपका एनालिटिकल मेथड। जैसे एग्जाम्पल, मान लो कोई एक पार्टिकल है, कोई भी मतलब कोई भी एक बॉडी है जिसका लेंथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर का, ठीक। इसके लिए आपको निकालना है आइसोमेट्रिक लेंथ। तो देखो तो कितना हो जाएगा, आइसोमेट्रिक लेंथ इक्वल टू कितना, आरएफ की वैल्यू कितना है 0.82 इंटू ट्रू लेंथ कितना हो गया 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, 82 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो दिख गया कि ये रिड्यूस हो चुका है, और यही रिड्यूस लेंथ क्या बोल रहे थे, आइसोमेट्रिक लेंथ। देखो यहाँ लिखा हुआ है रिड्यूस लेंथ को ही क्या बोल रहे हैं, आइसोमेट्रिक लेंथ, ठीक है। ये हुआ, इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं। जैसे क्यों निकालते हैं, मान लो कोई बॉडी रहेगा तो उसका तो बहुत सारा लेंथ होगा, ये 10 होगा, ये 50 होगा, ये 10 होगा, ये 50 होगा। अगर 3D में है तो मान लो थिकनेस भी 20 दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। क्लियर, ये तो 20 नहीं होगा, ठीक है, ये तो 10 ही रहेगा, ये मान लो ये 20 दे दिया है, ठीक। तो ये अलग अलग है और सबके लिए आपको आइसोमेट्रिक लेंथ निकालना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो सबको तो कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, एक एक करके कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दे दिया, बहुत सारा लेंथ है, तो सबके लिए तो निकाल नहीं पाओगे, इसीलिए हमारे पास आया एक ग्राफिकल मेथड। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर ग्राफिकल से देखोगे तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, क्या देगा, अप्रोक्सीमेट। लेकिन हाँ, अगर आप ग्राफिकल जो है स्केल अगर अच्छे से बनाए हो तो आपको दिख जाएगा एकदम एक्चुअल टाइप का, ठीक है। चलो अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ एनालिटिकल मेथड, अब बात करते हैं ग्राफिकल का मेथड 1, ठीक है, ग्राफिकल का मेथड 1। कुछ नहीं करना है, ये जो दिख रहा है बस इसी को यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो देखो एक हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, ठीक, एक हॉरिजेंटल लाइन, इसी को उठा के यहाँ रख रहा हूँ, एक हॉरिजेंटल लाइन है और एक लाइन है कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, ये लाइन हो गया 30 डिग्री पे, और इसका लिखा हुआ है ये कौन है, आइसोमेट्रिक लेंथ है, यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। और दूसरा एक और लाइन है 45 डिग्री पे, ये आपका कौन है, ट्रू लेंथ है, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है,
स्केल उठाना है और इस जो ट्रू लेंथ दिख रहा है इसी ट्रू लेंथ पे अपना मार्किंग कर लेना है। ठीक, स्केल इस पे रख दो जितने का आपको चाहिए। मान लो हमें 50 सेंटीमीटर का स्केल चाहिए, उसके लिए ट्रू आइसोमेट्रिक स्केल चाहिए, तो क्या करो, अपना स्केल यहाँ पे रख दो, यहाँ लिख दो 10, ये रहा 20, ये 30, ये 40, ये 50 और आगे बना लो 60। ठीक, ये 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 स्केल बना रहे। इस पर क्या मार्क कर दोगे, अपना ट्रू लेंथ मार्क कर दो। ठीक, और क्या करो, ट्रू लेंथ मार्क करके एग्जैक्टली एकदम इस पर एकदम 90 डिग्री नीचे की ओर ड्रॉप कर दो। क्या कर दो, यहाँ से 90 डिग्री नीचे की ओर ड्रॉप कर दो, एकदम सीधा यहाँ से पकड़िए और इसके जो ये जो लाइन आ रहा है, एक बता दूँ इससे कितना डिग्री, 90 डिग्री एकदम सीधा नीचे की ओर ड्रॉप कर दो। ठीक, और इससे भी सिमिलरली इस तरीके से ऐसे ड्रॉप कर दिए नीचे। ठीक, तो ये जो पॉइंट मिला ना आपको 60 का 60 डैश, 50 डैश, 40 डैश, 30 डैश, 20 और ये 10, ठीक है ना, यही आपको मिलेगा कौन सा, ट्रू लेंथ। क्लियर हुआ, यही आपको मिलेगा क्या, ट्रू आइसोमेट्रिक लेंथ, सॉरी ये क्या मिलेगा आपको, आइसोमेट्रिक लेंथ मिल जाएगा। ठीक, तो आप कैलकुलेट करके देख लेना एकदम क्या करना, एक आपको ट्रू लेंथ बनाना, ट्रू लेंथ पे अपना मार्क कर लेना जितने का स्केल चाहिए। ठीक, एकदम सीधा नीचे की ओर ड्रॉप कर देना इस लाइन से कितना डिग्री, 90 डिग्री पे। यहाँ जो पॉइंट मिलेगा ना, जैसे मान लो 50 के लिए चाहिए आपको, तो ये एक्चुअल में था कितना, अगर ट्रू लेंथ बोला जाए तो था कितना, 50 है, 50 सेंटीमीटर। आइसोमेट्रिक लेंथ कितना होना चाहिए, 0.82 × 50, है ना, यही 0.82 × 50। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 41 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, आएगा ना 41 सेंटीमीटर के आसपास, 82%। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक जब मेजर करोगे आप, ये 50 है ना, 50 के लिए बनाया तो 41 सेंटीमीटर आना चाहिए, तो इसके लिए ये मेजर करोगे ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितना आएगा, 41 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है ना, आइसोमेट्रिक लेंथ कितना आना चाहिए, 41, तो यहाँ से अगर मेजर करोगे तो ये कितना आएगा, 41 सेंटीमीटर। तो आप मेजर करके बना के देख लेना कि अगर 41 आ रहा है इतना, तब मानना कि जो स्केल आप बनाए हैं वो सही है। क्लियर हुआ बात, तो ये हुआ मेथड वन। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड टू देखते हैं, इधर नोट कर लिए होंगे आप लोग, चलिए मेथड टू देखो, कुछ नहीं करना है मेथड टू में, देखिए दूसरा तरीका है बस लिखने का। देखो अगर ये 90 डिग्री है और ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, इतना समझ में आया। ठीक, ये 90 है, ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ से कितना है 90, ये 45, तो ये भी 45 डिग्री। ठीक, तो अब एक चीज़ और, ये टोटल एंगल कितना है 45 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 30, तो इनके बीच का जो एंगल बचा, इनके बीच का जो एंगल बचा वो कितना डिग्री बचा, 15 डिग्री बचा ना, 45 में से 30 चला गया, तो ये वाला एंगल इतना दूर का ये कितना बचा है, 15 डिग्री। ठीक है, तो इसी को बस ऐसे करके लिख दो, इधर करो इसको उलट दो, तो जब उलटोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, ट्रू लेंथ। देखो तो जब इसको उलटोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, ट्रू लेंथ। जब इसको ऐसे बोल रहा हूँ, देखना है कि इमेजिन कर लो इसको ऐसे, जैसे किताब का पन्ना होता है ना ऐसे, मिरर इमेज। ठीक, तो जब मिरर इमेज बनाओगे तो ऐसा दिखेगा और ये एंगल कुछ ऐसा दिखेगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, ट्रू लेंथ, और ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री और ये कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, है ना, और बस ट्रू लेंथ को नीचे लिख दो और ये आइसोमेट्रिक लेंथ ऊपर चला जाएगा। बस यही तरीका है, तरीका है लिखने का, दोनों के लिए सेम वैल्यू आएगा। ठीक, तो देखिए नीचे आ गया आपका कौन सा लेंथ, ट्रू लेंथ, ये आपका ट्रू लेंथ, और यहाँ से एक लाइन लेना है कितने डिग्री पर, 15 डिग्री पर। ठीक, और यहाँ से एक लाइन लेना है कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। ठीक, यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दो पहले बनाते कैसे हैं, पहले क्या करना है, एक लाइन ले लेना है जो कि क्या दिखाएगा आपका, ट्रू लेंथ दिखाएगा, इसी को ऐसे उलट दिए तो ये लाइन क्या दिखा रहा है, ट्रू लेंथ दिखाने लगा। ठीक, और ये एंगल कितना बन रहा है, 15 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिया 15 डिग्री। ठीक, अब क्या करना है कि इस पे अपना ट्रू लेंथ मार्क करना है। अब ट्रू लेंथ पहले यहाँ मार्क करते थे, अब कहाँ मार्क करोगे, यहाँ, जैसे यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 और ये मान लो 70। ठीक है, यहाँ से 70, इतने का आपको आइसोमेट्रिक लेंथ चाहिए।
तो क्या करना है, यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर रखना है और यहाँ से कितना डिग्री, 45 डिग्री ऐसे लाइन बनाना है। तो यहाँ से 45 डिग्री लाइन यहाँ से बनाना है, ठीक है ना, कितना डिग्री 45। और रोलर स्केल आपके है ही, तो यहाँ से रोल करते हुए सब आ जाओ। तो पहला रोल करोगे तो ऐसा दिखेगा, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा, पांचवा, छठा, तो ऐसा। तो ये हुआ 70 का 70 डैश, 60 डैश, 50 डैश, 40 डैश, 30 डैश और ये 20 डैश और ये 10 डैश, ठीक है। तो ये आपका मिला बना था क्या, ट्रू लेंथ, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इधर क्या मिल गया, आइसोमेट्रिक लेंथ, ठीक है ना। दोनों तरीका में से कोई भी बना सकते हो, या तो ये स्केल बना लो या तो ये स्केल बना लो, दोनों के लिए सेम वैल्यू आएगा। इसके लिए भी 50 के लिए देखोगे तो ये भी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना आएगा, 41 सेंटीमीटर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये वाला लेंथ दिख रहा है ना 41, तो ये भी कितना होगा, यहाँ से 41 सेंटीमीटर, है ना, कैलकुलेट किए थे तो आया था ना 41, तो यहाँ पे भी 41। तो दो तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, स्केल बनाते हैं, ठीक है। अब देखो दो चीज, यहाँ तक समझ गए, एनालिटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में मेथड वन, मेथड टू। अब देखो एक चीज़ होता है कि एक होता है आइसोमेट्रिक व्यू और एक होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, वो समझते हैं किसको बोलते हैं। चलिए हो गया होगा, नोट कर लो। बस इस सीरीज को अगर कोई देख ले रहा है तो उसका समझिए पूरा रिवीजन हो गया, अब उसको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए दो चीज़ देखते हैं, एक देखते हैं आइसोमेट्रिक व्यू और दूसरा देखते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक। तो दो पॉइंट समझना है इसमें कि आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किसको बोलेंगे। देखो आइसोमेट्रिक व्यू जो होगा वो बनेगा ट्रू लेंथ पे, किस पे बनेगा, ट्रू लेंथ पे, और जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा ये बनेगा आइसोमेट्रिक लेंथ पे, ठीक। आइसोमेट्रिक लेंथ कहने का मतलब रिड्यूस लेंथ, ठीक है ना, आइसोमेट्रिक लेंथ कहने का मतलब रिड्यूस लेंथ। अब समझिए कि जो व्यू होगा, व्यू कहने का मतलब ये है कि जो अगर बोला जाए कि आप आइसोमेट्रिक व्यू बनाइए, तो जो गिवन डेटा है, जैसे जितना भी डायमेंशन अगर गिवन है उसी डायमेंशन पे बना देना है, ठीक है, उसमें अभी आपको स्केल बनाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया, दोबारा बोलता हूँ कि अगर आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है तो आपको स्केल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो गिवन डेटा है उसी डेटा पे आपको उसका 2D से क्या कर देना है, 3D में कन्वर्ट कर देना है, क्लियर, आइसोमेट्रिक व्यू में, ठीक। अब बात करते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किस पे बनता है, रिड्यूस लेंथ पे बनता है। तो रिड्यूस लेंथ के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, आइसोमेट्रिक स्केल, और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना होगा आइसोमेट्रिक लेंथ, और उस लेंथ पे आप डायग्राम को बनाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनाओगे, एक स्केल बनाओगे, स्केल से पहले क्या फाइंड आउट करोगे, सबका लेंथ फाइंड आउट करो, रेडियस लेंथ फाइंड आउट करो, फिर आप डायग्राम बनाओगे, क्या करोगे, 2D से कहाँ जाओगे, 3D में, क्लियर। अब देखिए कि जो आइसोमेट्रिक लेंथ होगा वो आपको देखो कैसा दिखेगा, आइसोमेट्रिक व्यू कैसा दिखेगा। मान लीजिए कि ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू है और ये आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, ये कौन है, व्यू है और ये प्रोजेक्शन है, ठीक है ना, आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो देखो डिफरेंस क्या होगा, ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है ना वो आपको बड़ा दिखेगा और ये जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है ये आपको छोटा दिखेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो शेप रहेगा, देखो शेप तो वही रहेगा, जैसे आपको ये बॉक्स दिख रहा है तो सेम बॉक्स ही दिखेगा, यानी कि ये क्यूब दिख रहा है तो आपको क्यूब ही दिखेगा, लेकिन जो साइज है वो रेडियस हो जाएगा, वो रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसमें बोल सकते हो कि इसका कंपेरिजन करके देखो तो जो शेप है ना वो सेम रहेगा, है ना, और जो साइज है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा,
ठीक है ना, यहाँ पे शेप एक ही जैसा दिखेगा लेकिन जो साइज रहेगा वो कम हो जाएगा, किसके केस में, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, क्लियर। अब देखो एक चीज मैं बताया था कि ये रूट टू बाई रूट थ्री कितना आ रहा था, 0.82 यानी कि 18% के कम हुआ था, ठीक है ना, यानी कि ये टोटल कितना है 100% है और ये कितना है 82% है, है ना, रिड्यूस हो चुका है, ये 100 था और ये 82 था, ठीक। अगर इसके कंपैरिजन में देखोगे कि ये कितना बड़ा है, इसके कंपैरिजन में देखोगे कि ये कितना बड़ा है, तो कैसे निकालते थे परसेंटेज, याद है ना, कि इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये, तो डिफरेंस देखिए कितना है, 100 - 82 डिवाइडेड बाय किसका, 82, ठीक है ना, इनटू में क्या कर दोगे 100, ठीक। तो सॉल्व करो इसको कितना हो जाएगा, देखिए तो यहां से 18 × 100 / 82 ये हो गया ना, कैंसिल करो कितना हो जाएगा 900, 1800 हो गया ना, 900/41, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 21.8 के आसपास, है ना, 21.8, और इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं हम लोग क्या, 22%, क्या लिख सकते हैं 22%। देखो अगर इसके कंपैरिजन में यानी कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के कंपैरिजन में आइसोमेट्रिक व्यू देखोगे तो आपको 22% बड़ा दिखेगा, क्या दिखेगा 22% बड़ा दिखेगा, ठीक। अगर इसके कंपैरिजन में ये देखोगे तो देख लो इधर क्या डिफरेंस कितना है 18 है ना, यानी कि 18 है ना, 100 - 82 18 है, इंटू 100 किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में इंटू 100 काटो कितना बचा 18%, क्लियर है ना। अगर इसके कंपैरिजन में देखोगे कि ये कितना छोटा है तो कितना परसेंट छोटा है 18%, इसके कंपैरिजन में ये देखोगे कितना बड़ा है तो क्या बोलोगे 22% बड़ा है, क्लियर हो गया ये चीज, आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है, बहुत आसान था। चलो अब बात करते हैं प्रॉब्लम के ऊपर, आते हैं कि प्रॉब्लम कैसे बनाना है, ठीक है, चलिए एक घंटे के अंदर कंप्लीट करेंगे, ये सब के सब ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो जितना पढ़े हो ना इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है ऑब्जेक्टिव में। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक और चीज़ कि अगर एंगल डिफरेंस पूछे, एंगल डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक लेंथ और ट्रू लेंथ पूछे, तो देखो तो एंगल डिफरेंस कितना है, ये है आपका ट्रू लेंथ और ये है ये, तो एंगल डिफरेंस कितने का है 15 डिग्री का है, देखो ना 45 महीने से 30 घटा दो कितना बचा 15 डिग्री, अगर एंगल डिफरेंस पूछे तो 15 डिग्री, अगर पूछे आइसोमेट्रिक का लेंथ कितना होता है, आइसोमेट्रिक का लेंथ तो 30 डिग्री, ट्रू लेंथ का कितना होता है तो 45 डिग्री, एंगल डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेंथ और आइसोमेट्रिक लेंथ तो 15 डिग्री, ठीक है, चलिए समझ गए। अब आते हैं प्रॉब्लम कैसे करना है, प्रॉब्लम में आपको कहाँ जाना है, 2D से जाना है 3D में, यानी कि कोई 2D में दिया रहेगा ऑब्जेक्ट और 3D में जाना, यानी कि कह सकते हो कि ऑर्थोग्राफिक में दिया गया होगा और आपको जाना है आइसोमेट्रिक में, ठीक है ना, ऑर्थोग्राफिक यानी 2D में दिया हुआ है और जाना है। चलिए तो ध्यान दीजिए कि ये मान लीजिए आपको दिया है कोई डायग्राम, मैं ऐसे रेंडम अभी बताता हूँ, ठीक, ये मान लो इसका 10 है, ये फ्रंट व्यू बात कर रहे हैं, फ्रंट व्यू दिया है 10 और ये मान लो 40 दिया गया है, ठीक, और यहाँ कुछ ऐसे लाइन XY होगा, ठीक है ना, रेफरेंस लाइन, और फ्रंट व्यू के नीचे मान लो टॉप व्यू दिया हुआ है कुछ ऐसा, ठीक, ये 10 दे दिया है और ये मान लो 15 दे दिया है, ठीक है, ये दिया है टॉप व्यू। अब इसको देख के आपको 3D में कन्वर्ट करना है, ठीक, ये आपको दिया गया है आइसोमेट्रिक में, ये किस में दिया है ऑर्थोग्राफिक में, अब इसको देख के आपको आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट यानी कि 3D में लाना है, तो क्या करना है, पहले रेफरेंस लेना है, जैसे वहाँ पर रेफरेंस लेते थे ऑर्थोग्राफिक में, सिमिलरली यहाँ पर भी आपको रेफरेंस, तो ये जो आपको दिख रहा है ना बस इसी को यहाँ बना दो, एक सीधा लाइन खींचो, ठीक, एक लाइन लो 30 डिग्री पे और दूसरा लाइन इधर भी कितना पे 30 डिग्री पे, एकदम मेजर करके बनाना है, ठीक, और एक और लाइन कितने पे है ये 90 डिग्री पे, ठीक, ऐसा बना लेंगे 30 30 और ये 90 पे, ठीक, इसको बोल देते हैं x, इसको बोल दो y और इसको बोल दो z, ठीक है, XY और Z इतना कर लेंगे, ठीक। अब देखिए क्या करना है, हमारे पास दो प्लेन यहाँ पे दिख रहा है, वैसे तो है 3 प्लेन,
अभी देखो दो प्लेन, एक दिख रहा है एक्स वाई और दूसरा दिख रहा है वाई जेड, है ना। एक प्लेन दिखा एक्स वाई प्लेन और दूसरा दिख रहा है आपको वाई जेड प्लेन। अगर यही मैं क्लास में पढ़ाता तो इसी सारे चीज़ अभी जो अभी एक घंटा में पढ़े हो इसको तुम 10 दिन में पढ़ते, ठीक है ना। तो देखो एक घंटा में अभी सब समझ गए। तो ये हुआ एक्स वाई और ये हुआ वाई जेड प्लेन। तो देखो अगर बॉडी सिमेट्रिकल रहे, ध्यान रहे, अगर सिमेट्रिकल रहे ठीक, तो आप दोनों में से किसी में बनाओ जो डायग्राम होगा वो सेम बनेगा, ठीक। अगर अनसिमेट्रिक, सिमेट्रिकल समझते हो ना कि अगर कोई सेक्शन है ऐसे हाफ काटो तो दोनों साइड इक्वल दिखे, तो ये देखो इक्वल दिख रहा है। अगर कोई सर्कल है ऐसे काट दो तो दोनों साइड बराबर है। अगर कोई आई सेक्शन है, ये सेक्शन है, बीच से काटो तो दोनों बराबर है, तो इस टाइप के सेक्शन दिखे तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। अगर कोई अनसिमेट्रिकल रहे, क्या दिखे, अनसिमेट्रिकल दिखे, अनसिमेट्रिकल जैसे एल सेक्शन है ठीक, इसको काटोगे तो ये अलग अलग दिखेगा, है ना। अगर सिमेट्रिकल रहे तो दोनों प्लेन में बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिए तो ये बॉडी आपको दिख रहा है सिमेट्रिकल है, काटो तो इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिए इतना समझ गए। तो देखिए कि कोई भी बॉडी का, कोई भी 3D बॉडी का तीन चीज होता है, एक उसका लेंथ होगा, दूसरा हाइट होगा और तीसरा थिकनेस होगा, है ना, लेंथ हाइट और ब्रेथ, ठीक। तो जब आप फ्रंट व्यू देख रहे थे, जब आप किसी बॉडी का फ्रंट व्यू देखते हो तो क्या चीज़ दिखता है, एक दिखता है लेंथ, है ना। अरे देख लो, अगर ये मान लो कोई 3D बॉडी है ठीक, ऐसे ये 3D है, तो ये लेंथ है, ये हाइट है, ये ब्रेथ है, ठीक। तो जब फ्रंट व्यू देखते हो तो लेंथ और हाइट दिखता है, है ना। तो ये फ्रंट व्यू में ये लेंथ होगा और ये हाइट होगा, और टॉप से जब देखोगे तो ये ब्रेथ होगा और लेंथ दिखेगा। टॉप से क्या दिखता है देख लो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फ्रंट से देखते हैं फ्रंट व्यू तो लेंथ और हाइट दिखता है, लेंथ एंड हाइट दिखेगा। टॉप से देखोगे तो टॉप व्यू में क्या दिखता है, लेंथ एंड ब्रेथ दिखता है, और साइड में देखोगे तो साइड व्यू में क्या दिखेगा, ब्रेथ और हाइट दिखेगा, ब्रेथ एंड हाइट दिखेगा। तो अब देखिए ध्यान से, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में क्या कॉमन दिख रहा है, लेंथ। टॉप व्यू और साइड व्यू में क्या कॉमन दिख रहा है, ब्रेथ। और फ्रंट व्यू और साइड व्यू में क्या कॉमन दिख रहा है, हाइट। तो इसको मध्य नजर रखते हुए भी कोई डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ देखिए, फ्रंट व्यू में ये लेंथ और ये हाइट, टॉप व्यू में क्या दिखता है, ये हुआ लेंथ और ये हुआ ब्रेथ। यानी कि हमें कोई भी चीज़ डायग्राम बनाने के लिए लेंथ, हाइट और ब्रेथ तीनों में से तीनों चाहिए, कम से कम तीन चाहिए तभी बना पाएंगे। चलिए यहाँ तक समझ गए आप, आगे देखिए ठीक। तो क्या करना है, पहले आपको प्लेन सेलेक्ट करना है, या तो ये सेलेक्ट कर लो या तो ये सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो मैंने कोई भी एक प्लेन इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, वाई जेड प्लेन को, ठीक। इसी में हमको बनाना है। तो ध्यान रहे, तीन टर्मिनोलॉजी पढ़ाया, आइसोमेट्रिक, एक्सिस, लाइन और प्लेन। तो ध्यान रहे कि जो भी आप डायग्राम बनाओगे सब के सब आइसोमेट्रिक लाइन होने चाहिए, ऐसे कोई रेंडम लाइन नहीं खींच देना है। ये तीनों एक्सिस में किसी ना किसी के पैरेलल होना चाहिए वो लाइन, तभी आप डायग्राम सही बना रहे हो, ठीक। किसको छोड़ के, कोई सर्कल और आर्क को छोड़ के, है ना, आर्क और सर्कल तो लाइन नहीं है, इन दोनों को छोड़ के जो भी लाइन ड्रॉ करोगे आप सब के सब आइसोमेट्रिक लाइन होनी चाहिए, ठीक। तो चलिए इस प्लेन में हम लोग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, वाई जेड प्लेन में, ठीक। वाई जेड में प्लेन बना रहे हैं, तो ये जो एक्सिस आपको, अगर वाई जेड में आप ड्रॉ करोगे फ्रंट व्यू, है ना, तो ये आपका मान लो एक्सिस क्या हो जाएगा, ये एक्सिस क्या हो जाएगा, ये लेंथ का एक्सिस हो जाएगा, ठीक, और ये हाइट का एक्सिस हो जाएगा, और ये आपका जो बच गया वो ब्रेथ का एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इधर बना रहा हूँ फ्रंट व्यू तो ये लेंथ, ये हाइट और ये ब्रेथ। अगर मैं इधर बनाता फ्रंट व्यू तो ये हो जाता लेंथ, ये हो जाता हाइट और ये हो जाता ब्रेथ, क्लियर है ना, ठीक। तो चलिए फ्रंट व्यू देखो, ये कितना है, 10 का है। तो यहाँ से अगर देखो, अगर आप इधर बनाओगे तो ये वाला जो कॉर्नर है राइट हैंड साइड का बॉटम कॉर्नर, ये वाला, ये ओ पॉइंट पे जाता। अगर आप उस साइड बनाते तो लेफ्ट हैंड का बॉटम कॉर्नर ओ पे आता, इधर की ओर बनता, और ये इधर बनेगा, ठीक। तो चलो ये कॉर्नर कहाँ जाएगा, जो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट बोल देते हैं, ठीक। तो पहले हमें ये ड्रॉ करना है। तो ये जो ए पॉइंट है वो कहाँ गया, ओरिजिन पे। कितने का लाइन चाहिए, 10 का लाइन चाहिए। तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिए,
इसी लाइन पे, ठीक। ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है ना, ए से बी तक आ गए। अब ऊपर जाना है, हाइट है ये, हाइट के एक्सिस के पैरेलल जाना है, ठीक है ना। ये लेंथ था तो लेंथ के पैरेलल चले गए, ये क्या है हाइट, तो हाइट देखो कितना है 40, है ना। तो यहाँ से हाइट वाला एक्सिस कौन है, ये है, इसके पैरेलल जाओ कितना 40, इसके पैरेलल जाओ कितना 40, कहाँ पहुँच गए सी पॉइंट पे पहुँच गए। अब फिर लेंथ आ गया, लेंथ वाले एक्सिस के पैरेलल जाओ कितना 10 जाओ, तो यहाँ से लेंथ के पैरेलल इधर उठाओ और इधर आओ कितना 10, ठीक। फिर एक और लाइन आ गया, ये कहाँ पहुँच गया सी से डी, और डी से ए तक पहुँचो कितना 40, तो ये हो गया इधर 40, किसके पैरेलल हाइट वाले एक्सिस के पैरेलल, ठीक। तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, यहाँ पे दिखा दिए, ठीक। अब टॉप व्यू जब देखते हैं तब इसका ब्रेथ दिखता है, है ना। टॉप से देखो, जब टॉप से देखे तो ये आपका ब्रेथ दिखा, है ना, ये आपका ब्रेथ कितने का 15 का, तो ये आपका ब्रेथ वाला एक्सिस। तो जितना भी आपको कॉर्नर दिख रहा है, तो देखो एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, तीनों से कितना 15-15 का लाइन ड्रॉ कर दो, किसके पैरेलल ब्रेथ के पैरेलल। तो देखो इससे आ गए 15, ठीक, मेजर करके इससे एकदम सेम ऊपर जाओ कंपा थी रोलर स्केल से, एकदम सेम इसी के पैरेलल और कितना 15, सेम रोल करते हुए यहाँ आओ कितना 15, ठीक। तीनों जितना भी कॉर्नर दिखे सबसे 15-15-15, ठीक, सब प्रॉब्लम के लिए ऐसे ही बनाएंगे। अब देखिए ये तो हुआ फ्रंट साइड, फ्रंट व्यू बनाए थे ना ये, तो ये हो गया टॉप, ये हो गया साइड। तो साइड से क्या दिखता था, जब साइड से देखते थे तो हाइट और ब्रेथ, तो देखो ब्रेथ का तो दो लाइन हो गया, ये आपका हाइट है, तो इस हाइट के पैरेलल एक और लाइन, ठीक, कितने का रहेगा ये 40 होगा, तो ये भी कितने का 40 हो जाएगा, ठीक। अब देखो जब टॉप से देखे तो क्या दिखता है, ब्रेथ और लेंथ, ठीक है ना, तो ब्रेथ का तो दो लाइन हो चुका, अब लेंथ के लिए पैरेलल, तो इसके पैरेलल एक और लाइन कितने का 10 का, देखो इसका 2D से कहाँ चले गए 3D में। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी प्रॉब्लम बनाते हैं। अब आपको क्या करना है, जितना से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। चलो एक और प्रॉब्लम दिखा देते हैं, अभी टाइम है 1 घंटे में, चलो ये कर दे, ठीक। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, हो गया मिटा देते हैं। अब ध्यान दो, पहले एक्सिस समझ लो, ये समझ गए ना, तीन एक्सिस। और अगर मान लो, चलिए अगर कोई बॉडी को सीधा कहीं रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कहीं पे भी अगर कोई बॉडी ऐसे रखा गया है, रखने वाला प्लेन कौन सा होता है एक्स जेड। जैसे देखिए ये आपका कितने डिग्री पे 30, ये भी कितना 30, दोनों 30-30 पे था, यहाँ पे x और ये z था और ये y था। अगर कोई बॉडी रखा गया है, रखा कहने का मतलब होता है कि जब आप बॉडी को ऐसे टिल्ट करोगे तो ये जो ऊपर वाला प्लेन होता है, ये जो ऊपर वाला प्लेन, इसी पे आप कुछ रख सकते हो, इस पे और इस पे तो रख नहीं सकते, तो कोई रखने वाला प्लेन जो होता है वो ऊपर वाला, और ऊपर वाला कौन रहता है एक्स और जेड प्लेन रहता है, ठीक, इसी में आप डायग्राम बनाओगे, क्लियर है, ठीक, समझ गए। रखने के लिए कौन सा प्लेन यूज करेंगे, एक्स जेड यूज करेंगे, ठीक। चलिए एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, कुछ रेंडम देता हूँ, मान लीजिए ये ऐसा दिया हुआ है कुछ, ये है फ्रंट व्यू ऐसा, ठीक, और इधर दिया हुआ है टॉप व्यू ऐसे ऐसे, ये है फ्रंट व्यू और ये है टॉप व्यू। मान लो ये दिया है 60, ये भी 60, ये दिया है 10, तो ये भी 10, ये मान लो 10 मान लो, इसको इसको भी 10 मान लो, तो ये बचेगा कितना 40, ठीक। थिकनेस मान लो इधर दिया हुआ है 40, और कुछ ज़रूरत है 10 10 10 10, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक। ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू दिया है, क्लियर, तो चलिए बनाते हैं, ठीक। पहले क्या करना है आपको, इस तरीके का लाइन लेना है, इधर से भी 30 डिग्री, इधर से भी 30 डिग्री, 30 30 बना दिए, ठीक है, और यहाँ आपको एक 90 डिग्री, ठीक। अब देखो हम बनाना चाह रहे हैं इस प्लेन में, ठीक है, किस प्लेन में, एक्स वाई वाई जेड प्लेन में बनाना चाह रहे हैं, तो फ्रंट व्यू बनाना है पहले। तो फ्रंट व्यू में क्या होता है, ये लेंथ और ये हाइट, तो ये लेंथ का एक्सिस, ये हाइट का एक्सिस, ये ब्रेथ का एक्सिस। तो देखो पहला वाला लाइन कितने का है,
फर्स्ट लाइन कितने का है 60 का, तो ये वाला कॉर्नर कहाँ जाएगा, यहाँ एकदम 60 का लाइन यहाँ से बना दो 60, ऊपर कितना जाना है 60 एकदम फटाफट, किसके पैरेलल, हाइट है ना, तो हाइट वाले एक्सिस के पैरेलल ऊपर गए 60, ठीक 60 चले गए मान लो यहाँ तक, ठीक। उसके बाद इधर आना है किसके पैरेलल, ये वाले एक्सिस के पैरेलल, यानी इसके पैरेलल कितना आना है 10 आना है, 10 आ गए, ठीक। इधर से चलो, इधर ऊपर हाइट वाले से कितना जाना है, ये मान लो ये भी 10 है, ठीक 10 ऊपर जाना है, ठीक 10, इधर कितना आना है 10 आना है, तो इसके पैरेलल 10 आ गए, ठीक। अब देखो ये स्लोप दिख रहा है, तो स्लोप के लिए जरूरी नहीं है कि जो लाइन बने वो आइसोमेट्रिक लाइन ही बने, तो क्या कर देना है, इसको इसको आपस में इस तरीके से मिला देना है, क्या कर देना है, इनको मिला देना है, सीधा बना, ठीक है, तो ये बन गया आपका स्लोप, ठीक है ना। देखो स्लोप को देखोगे तो ये आपको आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल नहीं दिखेगा, है ना, ये तो स्लोप है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब आपको बनाना है थिकनेस, है ना, यानी कि ब्रेथ, तो जितना भी कॉर्नर दिखे, जितना भी कॉर्नर 1, 2, 3, 4, 5 सब कॉर्नर से इस एक्सिस के पैरेलल कितना चले जाओ 40, ठीक। तो यहाँ से गए इसके पैरेलल 40, यहाँ से भी गए 40, यहाँ से भी 40, यहाँ से भी एकदम सीधा इसके पैरेलल 40, यहाँ से भी 40, ठीक। इसके दो लाइन ऑलरेडी है तो एकदम सीधा ऐसे मिला दो, ठीक। इसके पैरेलल एकदम सीधा, एकदम पैरेलल लाइन यहाँ से ऐसे मिला दो, ठीक। ये देखो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन सब पैरेलल है, ठीक। यहाँ से देखो, अब देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होगा पैरेलल, तो यहाँ से एकदम सीधा ऐसे मिला दीजिए, ठीक। और ये लाइन इसके पैरेलल, तो यहाँ से ऐसे, तो देखो बॉडी क्या बन गया 3D में बन गया, क्लियर। तो इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लेना है, क्लियर। तो ये रहा आइसोमेट्रिक का कंप्लीट वन शॉर्ट सीरीज, ठीक है। अगर पसंद आए तो ज़रूर बताइए, और बाकी तो आपको पता है। चलिए, थैंक यू।